कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे तब पर बैठे करने लेके ये आपके रेट्स बहुत ही धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं मेरी दोस्त की बंदी को। और यार आपको बता दूं कि अभी से 4 महीने पहले जो मेरा दोस्त है हरदीप, पहले तो हाई कर दो फैमिली मेम्बर्स को। हाय मैम। तो ये है जो ये 10,000 की नौकरी करते थे आज से 4 महीने पहले, लेकिन जब इन्होंने बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया आज के टाइम में, आज की डेट में बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सब कुछ है यार, ऊपर वाला मतलब सबको दे, ठीक है, जो एक इंसान को जीने के लिए हर चीज़ सही होती है वो सब कुछ है। तो आज इनकी जो बंदी है वो 4 दिन से इसको कॉल कर रही है, बहुत दिनों से। अब फ्रेंड पे बात आ गई है तो यार दोस्ती में तो इतना बनता ही है। तो इन्होंने बोला है उस लड़की को करना है हमें एक्सपोज, तो आज इनकी बंदी को मिलने के लिए बुलाया गया और आपको जो मज़ा आने वाला है बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहो, स्किप मत करना, हम मिलते हैं वीडियो के बाद। एक बार कॉल लगा लिया जाए इनकी बंदी को, आप फ़ोन करो। नाम क्या था उसका? प्रिया। प्रिया नाम है लड़की का। तो 3 महीने पहले आपका ब्रेकअप हो गया? जी हाँ। ठीक है, एक बार कॉल लगा लो, स्पीकर पे रख देना, पब्लिक सुन रही है, लाइव सब चल रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रिया कहाँ पर हो आप? मैं घर पर हूँ, बताओ। यार आप एक बार मिलने के लिए आ सकते हो? अभी? हाँ अभी। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप एक काम करो, आपके घर के आगे जो एक पार्क है ना? हाँ जी हाँ जी। मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ, एक बार आप आ जाओ जल्दी से। ठीक है, आप लाइव लोकेशन सेंड कर दो, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ आपको। ओके ओके। कट गया। सो गाइस बंदी का वेट करते हैं, लड़की आने के लिए रेडी हो गई। मतलब 4 दिन से बोल रही है ना कि मिलना है, मिलना है। चार दिन से कह रही थी बहुत कि मिलना है। तो मतलब मेन रीजन रहा क्या था उसके छोड़ने का आपको? यही रीजन था कि अब मैं इतना अर्न नहीं कर पाता था उस टाइम पे, और फिर उसको चाहिए थे शौक, हम मेरे को मॉल्स में लेकर जाओ, मेरे को महंगे गिफ्ट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। फिर उसको कोई और मिल गया जो थोड़ा मेरे से अच्छा अर्न करता था उस टाइम पे, तो उसने मेरे को डिच कर दिया और ब्रेकअप हो गया हमारा 3 महीने पहले। अरे यार बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ बुरा तो लगा था। चलो कोई बात नहीं, आज उसको बुरा लगवाते हैं। तो कंटेंट जो हमने सोचा है ना उस पर करने का तो बहुत ही धांसू है। तो एक काम करते हैं, वेट करते हैं लड़की का और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। Hey guys, जैसे कि आपको पता है कि जल्दी न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस आ रहा है और आपको अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है यार, या फिर आप बोर हो रहे हो या फिर मजा करना चाहते हो, तो आप भी यूज करो लीगल कैसीनो forabet.com, अर्न भी करो और मजे भी लो। देखो यहाँ पर मैंने forabet.com को ओपन कर लिया है, अब हम यूज करते हैं बुक ऑफ सेंटा गेम्स। इसका जो इंटरफेस है वो भी काफी शानदार है यार। अब हम स्पिन करते हैं यहाँ पे, चलो वाह हमने 2,200 जीत लिया है। चलो एक काम करते हैं, एक बार और स्पिन करते हैं अभी, वाह अब हमने 200 रुपए जीत लिया। चलो एक बार और स्पिन करते हैं यार, वाव 400 रुपए हमें क्या मिलेगा, 900 रुपए। अच्छा वाव अगला स्पिन और हमारे पास 500 रुपए। शॉकिंग यार, चलो पिछली बार 2 स्पिन 700 रुपए और वाह, और पिछले 300 रुपए हमने सिर्फ 30 सेकंड में 6,000 रुपए से भी ज्यादा जीत लिया। हमने सिर्फ 30 सेकंड में काफी सारे पैसे जीत लिया। तो देखा आप सबने, अभी जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप मेरे लिंक से विजिट करोगे तो आपको मिलेगा 200% बोनस। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो सुनो हरदीप, यही है कि जो रेड वाली ड्रेस में आ रही है, रेड वाली टॉप में? हां ये ये ये। हाय हाय प्रिया। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मीट माय न्यू गर्लफ्रेंड। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इधर आके बैठो ना। बैठो आप, ऐसा कैसे, क्या मतलब? बैठने को क्या, आपने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। अरे तो मिलने के लिए इसे तो बुलाया कि मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड से आपको मीट कराना चाहता था। ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? हाँ जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे है, आप पूछ लो इनसे, खुद ही पूछ लो। आप इनकी? हाँ जी हम, यार एक्चुअली मैं गर्लफ्रेंड तो हूँ बट हमारी 2 महीने बाद शादी भी है। शादी भी हमारी 2 महीने। इनसे शादी करने वाले हो? बिल्कुल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे एक सेकंड, आपने गुस्सा मत करो, तुम उस पे हाथ कैसे चला रही हो ये बताओ। तो आप एक मिनट चुप रहो, आप मुझसे बात करो। हाँ बोलो। आपने मुझे बुलाया भी फोन करके, किसने? हाँ, बुलाया तो आपको अपनी नई गर्लफ्रेंड से मीट करने के लिए बुलाया मैंने। गर्लफ्रेंड अभी तो 3 महीने पीछे तुम मुझसे बोल रहे थे, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? तो 3 महीने पहले बोल रहा था ना, आप पहले बोल रहा था। अच्छा आप इनसे बात करो, इनसे क्यों बात कर रहे हो आप? वो क्यों बोल रही है हमारे बीच? वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है, अभी 2 महीने बाद हमारी शादी भी होने वाली है। अरे आपसे क्या बात करनी है? आपने मेरे को, तुमने 3 महीने पहले मुझे ये बोला था ना। अरे 3 महीने पहले तुमने मेरे को डिच भी तो कर दिया था, ब्रेकअप करा था। डिच किया है तुम्हें? तुमने बोला था कि तुम अच्छा कमाते नहीं हो। तुम अच्छा कमाते ही नहीं थे, अब तुम अच्छा कमा रहे हो तो मैं आई हूं ना। तो ये कौन सी बात है, यानी कि मतलब के लिए साथ थे क्या? अगर मैं कल को कुछ कमाता नहीं हूं तो अपना आगे की लाइफ देखनी है ना। अरे आगे की लाइफ देख लिया तो तुम मेरे को कह तो सकते थे, तुम मुझे कह सकते थे। अच्छा अब तुम्हें लगता है कि तुम वो एक अच्छी लाइफ दे सकते? चुप रहो, आपसे मेरा हक है, मैं आपसे बात कर रही हूं। एक सेकंड, डोंट टच मी। ओके डोंट टच मी। अरे इनसे नहीं मुझसे बात करो, बदतमीज लड़की।
क्या बात करूँ आपसे? मुझसे बात करो ना, जब मेरे पास कुछ नहीं था। कैसे कर सकता है ऐसा? कैसे कर सकता है क्या उस टाइम? एक सेकंड, हाथ मत लगा, मेरी बात सुन। हाथ हम भी चला सकते हैं, हाथ छोड़, हाथ हम भी चला सकते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाता, बोल रही है मुझसे बात मेरी, उससे हो रही है। बंदा मेरा वो था, मेरा बंदा था ना, मेरा बंदा है ना, मेरा बंदा नहीं है, मेरा ही बंदा है बीबी, मेरा बंदा है। वो मेरी शादी होने वाली है 2 महीने बाद, हमारी शादी। तेरा नोना सोना बाबू खत्म कर, मेरी शादी होने वाली है उससे। तेरी शादी होती रही बात, तो तुम मुझसे बात करो पहले। हाँ बोलो, क्या बात करनी है बताओ। तुम इसके साथ कैसे हो सकते हो? तुम 3 महीने पहले तक मुझसे बोल रहे थे, तुम पहले प्यार करते हो। पहले मेरी बात सुनो, जब 10,000 मैं कमाता था तब तुमने मेरे को छोड़ दिया, क्यों? तब तुम मुझे लाइफ नहीं दे सकते थे ना, नहीं दे सकते थे। तुमने एटलीस्ट मेरे को मोटिवेट भी नहीं करा कि हाँ भाई तू 10,000 कमा रहा है, आगे चलते चलते बढ़ जाएगा। मैं गई हूं इसी वजह से, तो तुम आगे बढ़े हो ना, इस वजह से नहीं। इसका क्रेडिट तुम्हें मुझे देना चाहिए, तुझे नहीं देना इसका क्रेडिट। क्या बात है, तालिया। तुमने मेरे को छोड़ा और मैं तालिया। तुमसे मतलब तुम मरने के लिए उस इंसान को छोड़ दोगी ताकि वो जिंदगी में कुछ करे? अगर वो मर जाता तो बहुत सारे लोग ना, तो नहीं ना, वो स्ट्रॉन्ग था, वो स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे लोग कमजोर होते हैं, तुम जैसे लड़कियों की। पहले 1 मिनट पहले मुझसे बात करो। तुमने ये भी तो नहीं कहा, तुम तो मेरे से ब्रेकअप करने के बाद तुरंत ही नए रिलेशनशिप में चले गए। मजाक नहीं कर रहा, 2 महीने बाद हमारी शादी है। सबक सिखाना नहीं चाहते, सबक नहीं सिखाना चाहते, हमारी शादी है। 2 महीने बाद हमारी शादी है। दिखाओ कार्ड तुम्हारी शादी का, अभी का कार्ड बन गया। शादी शादी है हमारी, 2 महीने बाद। तू इसका पीछा छोड़ दे, अब वो तेरा नहीं रहना चाहता है, ठीक है? ये बहुत मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ, मैं नहीं रहना चाहता ना। मुझे एक तरफा नहीं चल पाता, समझ में नहीं आ रहा। हम दो तरफा करेंगे, दो तरफा वाली बात ही नहीं है। इससे बात मत करो, मेरे से बात करो। बोलेगी बीच में, वो मेरे साथ रहना चाहता है। इसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि जब तू नहीं थी ना, इसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ ना, इनकी वजह से हूँ। तूने तो मेरे को 10,000 की नौकरी पे क्रेडिट दे सकते हो, इसे ही क्रेडिट दूंगा। जब मेरे पास कोई नहीं था, मेरे को संभाला इन्होंने। तुम्हारा कॉल आया, मैं इतनी खुश हो गई कि तुम्हारा कॉल आया। तुमसे मिलने आई अभी की अभी, तुम मुझे तुमने अभी यही दिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था। नई गर्लफ्रेंड बन गई तुम्हारी, 2 महीने बाद यही बताना चाहता था मैं आपको, क्योंकि 10,000 जब थे मेरे पास, तब तुमने नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया 2 मिनट में। एटलीस्ट ये तो होता कि अबे तुमने मेरे थोड़ा टाइम दे देते यार, थोड़ा टाइम दे देते, तुमने तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया सिर्फ अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए। और आज जब वो अच्छे लेवल पे सब कुछ है उसके पास, तुम मेरे पास फिर आ रहे हो, तो तुम उसके साथ रहना चाहती हो? ऐसा नहीं कर सकते यार, कर नहीं सकता अब कुछ। तुमने भी तो ऐसा किया था उसके साथ, करा था जब मेरे साथ कोई नहीं था। झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं है। 2 महीने बाद तुम्हारे घर पे शादी का कार्ड मैं भिजवाऊंगी। सुबह आज फोन करके मुझे इसे देखने के लिए बुलाया। बिल्कुल बताना तो चाहता हूँ ना कि हाँ भाई तुमने किसको छोड़ा था। रोने से कुछ नहीं होता, पता है? अब रोने का कोई फायदा नहीं है, रोने से कुछ नहीं होता है। तुम चुप रहो, तुमसे बात हो रही है, मुझसे बात करो ना। इनको क्यों कुछ कह रहे हो? मैं क्यों बात ना करूं? वो आई हमारे बीच में, हमारे मैं बीच नहीं आई तुम्हारे बीच में। जब तुम चले गए थे, जब उसने मेरे को संभाला है, वही आई है हमारे बीच में। बीच में नहीं आई, तुम तो मेरे को छोड़ के चली गई। 3 महीने तक तो तुम मुझसे इतना बोल रहे थे, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक एक दिन में 50-50 कॉल्स यार, नहीं मैनेज कर रहा था ना वो, तुम्हारे नहीं मैनेज कर पा रहा था। तुम्हारे हाईफाई रिचार्ज, तुम्हारे मॉल्स की शॉपिंग, तुम्हारे महंगे जूते नहीं अफोर्ड कर सकता था वो यार। हर इंसान अमीर होके पैदा नहीं हुआ। तुमने उस टाइम पे तो मेरे को छोड़ दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, दूसरा पटा लेंगे। ये कौन होती है हमारे बीच में? अरे भाई, होने वाली पत्नी हूँ मैं उसकी, होने वाली पत्नी अभी हुई तो नहीं है ना, तो मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी अभी, ये मेरी हक से बोल रही हूँ मैं। और इसे हाँ मेरे बंदे और मेरे बीच आ गई ना, अगर तू सीरियसली बता रही हूँ मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका पैंडा छोड़, तू पैसे के लिए छोड़ा था ना तूने इसको, पैसे के लिए छोड़ा था ना, बताइए मुझे, तू बताइए मुझे। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, तूने पैसे के लिए छोड़ा था ना हमारे बीच, कोई और लड़का देख ले पैसे के लिए, कोई और देख ले। चाहिए मुझे ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिलेगा, तू बताइए मुझे, तुम्हें चाहिए? नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को रहना ही नहीं इसके साथ यार। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने मेरे को इस टाइम पे छोड़ा था, तब तुमने नहीं सोचा कि मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा मैं? मरते मरते बचा है वो लड़का। अगर मैं कुछ कर लेता तो आज तो तुम किसी और के साथ सेटल हो जाते, और तो कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं तुम्हें छोड़ के गई हूँ, तुम इतना आगे बढ़ गए हो। छोड़ के गए, आगे नहीं बढ़े, जो है यही है। ये स्ट्रॉन्ग था, इसने कुछ किया नहीं अपने साथ गलत। अगर वो कमजोर इंसान, कमजोर लड़का होता ना, आज वो जिंदा भी ना होता। और तुम लोगों की ये सोच है ना जो कि मैंने छोड़ा तो तुम आगे बढ़े, नहीं, उस वक्त सिचुएशन में साथ देना चाहिए, और तुम लोग जा छोड़ के चले जाते हो। और इसने साथ दिया था इसलिए अब ये बुरे टाइम में तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि इसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये बुरे टाइम में मेरे साथ थी तो अच्छे टाइम में भी ये मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि तुमने बुरे टाइम में मेरे को छोड़ दिया था ना कि कुछ।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन सी बात है भाई? तुमने मेरा हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते, अब ऐसा थोड़ी होता है कि 3 महीने हमारा इतना साल का रिलेशनशिप। अरे तो साल का क्या होता है? बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो चुका। और फितरत इंसान की कभी नहीं बदल सकती, तुम कभी नहीं सुधर पाओगे। 4 साल हो, 5 साल बाद फिर मैं 10,000 बाई चांस कुछ हो जाए, मैं 10,000 का मान लग जाऊँ, तुम फिर छोड़ के चली जाओगे? बिल्कुल, यही तो बात है ना सारी, यही तो बात है सारी। तो इसी ने देना है ना, जब मेरे पास कुछ नहीं था, 10,000 में भी ये मेरे साथ थे और इसने मेरे को मोटिवेट करा कि हाँ भाई आगे बढ़ो। तो तुम इसका जिम्मेदार मुझे मानते हो? बिल्कुल, तुम हो यार, तुम जिम्मेदार हो। सॉरी टू से बट आप हो, आपकी गलती है सारी। ये कौन होती है मुझे बताना? अरे भाई ये मेरी होने वाली पत्नी है, 2 महीने बाद हमारी तो नहीं है। अरे तो हो जाएगी, पर करंट गर्लफ्रेंड है ये मेरी, गर्लफ्रेंड से भी बढ़कर है, क्योंकि जिस टाइम पे तूने छोड़ा था उस टाइम यही थी मेरे साथ में। इन्होंने मेरे को समझाया ना कुछ गलत करने का, मैं सोच रहा था वो भी सब करवाया इन्होंने। तो आप प्लीज आप ध्यान रखो अपना, कोई अच्छा लड़का देखो जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, जो तुम्हें पैसों से बिल्कुल सब खरीद के दे दे। लेकिन याद रखना एक बात, पैसों से ना तुम दुनिया की चीजें तो छोटी छोटी खरीद लोगी पर खुशी नहीं खरीद। खुशी कभी, खुशी और सुकून ऐसी चीज है, तुम कितने भी अरबपति हो तुम कभी खुशी और सुकून खरीद ही नहीं सकते। और वो सुकून और खुशी के लिए ना तुम जिंदगी भर तरसोगे, तुमने बहुत गलत इंसान खोया। थैंक यू सो मच, डोंट इंटरफेयर। सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मैं अपने ऑडियंस को बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई भी लड़की पैसों के लिए छोड़े ना, तो भाई यार है ना, तुम्हें ना कहीं नशे की लत में ना पड़ जाओ, या अपने आप को मारने की सोचो, या ऐसा कुछ मत करो। उस चीज़ से बढ़ के सोचो कि हाँ भाई आज इसने मेरे को छोड़ा है ना, तो कल इसको कुछ करके दिखाना है, कल इसको कुछ करके दिखाना है और इसको इसकी औकात दिखानी होए। बिल्कुल। सो अभी तो हमारी पक्के वाली दोस्ती भी हो गई है, हमारी पक्के वाली। बाकी और कुछ भी बोलना चाहते हो, मन में है सब बोल सकते हो, अब सामने पब्लिक देख रही है। तो मैं तो रिट्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनसे हमारी, मैं कांटेक्ट में रहा बहुत, तो इन्होंने मेरी मदद भी करी, अब तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं रिट्स के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट में भी हूँ, तो हम आते आने वाली वीडियोज़ वगैरह में भी साथ दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ दिखेंगे 100%, क्योंकि हम लोग वाइंस का चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग आगे और वीडियोज़ में भी आपको नजर आएंगे। बाकी एक छोटा सा मैसेज भी आप लोगों को देना था कि आगे बढ़ो, या तो करो या मरो, और मरना सोल्यूशन नहीं है, आपको पता ही है। तो कर जाओ और लगा दो यार आग दुनिया में, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बी सेफ, बी अलर्ट, लव योर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस forabet.com को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, forabet को चेकआउट करो और खूब सारा अर्न करो।